वैसे ही अब हम कुछ और डिस्ट्रक्टिव नेचुरल फिनोमिना के बारे में पढ़ेंगे डिस्ट्रक्टिव मतलब जिनसे चीज़ें बर्बाद होती हैं बिगड़ती हैं बट नेचुरली जो नेचुरल होते हैं जैसे तुम लोगों ने अभी रिसेंटली देखा होगा उत्तराखंड में क्या हुआ था ठीक है ना वहाँ पे पानी की एकदम से पानी बह गया था क्योंकि वहाँ ऊपर से बर्फ़ मेल्ट हुई थी तो पानी का स्तर बढ़ा और उसके चक्कर में बाढ़ आई और बहुत तेज पानी बहा तो नुकसान कितना हुआ था तो वैसे ही हम पहले पढ़ेंगे इसमें लाइटिंग लाइटनिंग के बारे में लाइटनिंग तुम्हें पता है क्या होता है जो ये हम कहते हैं ना जब बारिश होती है तो मम्मी बिजली कड़क रही है तो बिजली कड़कने को ही हम लाइटनिंग कहते हैं अब उसमें क्या होता है वही बोल रहा है यू माइट हैव सीन स्पर्कल ऑन द इलेक्ट्रिक पोल वैन वायर्स बिकम लूज दिस फिनोमिना इज क्वाइट कॉमन विंड इज बोइंग एंड शेकिंग द वायर्स यू माइट ऑल्सो हैव सीन स्पार्क्स स्पार्क अ प्लग इज लूज इन द सॉकेट लाइटनिंग इज ऑल्सो इन इलेक्ट्रिक स्पार्क बट ऑन अ यूथ स्केल इन एंशंट टाइम्स पीपल डिड नॉट अंडरस्टैंड द कॉज ऑफ दिस पार्क देर दे वर देर फॉर अफ्र फ्र 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 फ्रेड ऑफ लाइटिंग एंड थॉट वॉज रैथ ऑफ गॉड जो विजिटिंग दैम नो ऑफकोर्स यू अंडस्टैंड द लाइटिंग इज कॉज बाई द अक्यूलेन ऑफ चार्ज इन द क्लाउस वी नीड नॉट टू अ फ्रेड ऑफ लाइटिंग बट वी हैव टू ब्रिकॉशंस टू प्रोटेक्ट हर सेल्स फ्रॉम द डलीस पार्कस सो बेसिकली पहले के लोगों को क्या लगता था कि जब भी ऐसी बिजली कड़कती थी तो उनको मत, उनको पता तो होता नहीं था कि ऐसा क्यों हो रहा है तो वो सोचते थे कि भगवान जो है वो हम पे गुस्सा कर रहे हैं क्योंकि हमने कुछ गलत किया है ये वो ऐसा सोचते थे लेकिन अब हमें उसका रीज़न जो है उसका जो एचुरल लॉजिक है कि ऐसा क्यों होता है बिजली क्यों कड़कती है वो हमें पता चल गया क्योंकि बादलों में बहुत सारे जो चार्ज पार्टिकल्स होते हैं वो इकट्ठे हो जाते हैं और इस वजह से बिजली कड़कती है तो आ, हमें इससे डरने की जरूरत नहीं होती हमें कहीं भागने की जरूरत नहीं होती बट हमें प्रिकॉशंस रखने पड़ते हैं क्योंकि ये भी जो है नुकसानदायक है डिस्ट्रक्टिव है सो तो आपको प्रिकॉशंस रखने हैं लेकिन डरना नहीं है ठीक है जैसे पहले के लोग करते थे द स्पाक्स डैट ग्रीक्स न्यू ग्रीक्स जो थे वो ग्रीस के लोगों को बुलाया जा बोला जाता था अब वो क्या मानते थे दिनियंट ग्रीक्स न्यू एज़ अर्लीस्ट सिक्स हंड्रेड बिफोर क्राइस्ट बीसीज फॉर बिफोर क्राइस्ट डेट वेन नंबर वॉज रव वैन एम्बर एम्बर जो है कि रेजिन टाइप का होता है ठीक है ना कुछ रबड़ी स्टिकी टाइप का सबस्टैंड uh, होता है विच वॉज़ रब्ड विद फर फर वही जो पंखा पंखुड़ी टाइप्स होती है फर it attracted light objects such as hair you might have seen when you take off woolen or polyester clothes you hair stands on end if they take off these clothes in the dark you even see spark and hear a crackling sound in 1952 benjamin franklin an american scientist show that lightning and the spark from your clothes are essentially the same phenomena however it took 2000 years for the realization to occur they are related to the lightning in the sky okay. तो बेसिकली वो कह रहे हैं कि वो जो एम्बर सबस्टैंड अगर आप उसको फर से रब करते हो रब मतलब एक दूसरे को जैसे बुक है और मैं पेन को ऐसे ऐसे कर रही हूँ तो मैं रब कर रही हूँ वैसे जब आप रब करते हो तो वो जो एम्बर होता है वो जो है आपका छोटे छोटे ऑब्जेक्ट्स को अट्रैक्ट करता है ऐसे जब आप देखते हो आप वुलनन कपड़े पहन लेते हो और आप वुलनन कपड़े जब उतारते हो तो आपको दिखता होगा कि आप ऊनी कपड़ों को उतारने के बाद उस पर बाल चिपके रहते हैं है ना वो बाल चिपकते वो बाल चिपके रहते हैं एक्चुअली और वो बाल चिपकने का बेसिकली और जब इनफैक्ट अगर तुम रात में वो स्वेटर वगैरह ऊनी उतारते हो तो थोड़ा सा ना चिंगारियाँ स्पाकलिंग भी निकलती है हल्की बहुत उसमें से तो ऐसा क्यों होता है या ऐसा मतलब किस लिए होता है ये सेम बात है जो बिजली कड़कती है ना आसमान में वही सेम चीज़ होती है और लेकिन इस चीज़ को रिलाइज़ करने में भी हमें टाइम लग गया था क्यों और ये किसने हमें रिलाइज़ कराया था एक साइंटिस्ट थे अमेरिका के साइंटिस्ट थे बेंजामिन फ्रैंकलिन नाम था उनका सेवेंटीन uh, 1752 में थे वो तो उन्होंने ये चीज़ का रेवोल्यूशन किया था उन्होंने इस बारे में बताया था और ठीक है यही बताया था कि लाइटनिंग जो बिजली कड़कती है आसमान में वो इससे बिल्कुल सिमिलर होती है हम कोई एक्टिविटी करने वाले हैं बच्चों वैसे तो तुम्हें जो एक्टिविटी करवाई है तुम इस पर ध्यान दो अदरवाइज़ मैं तुम्हें भी एक चीज़ और बताऊँगी uh, क्या होता है कि ये देखो एक यूज्ड बॉल पेन की रिफ़िल लेनी है उसको बहुत विगरसली एक पॉलीथिन से रब करना है रिफ़िल जो पेन हम यूज करते हैं उसके अंदर प्लास्टिक की रिफ़िल होती है उसको प्लास्टिक बैग के ऊपर रब करना है बहुत तेज 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 ठीक है और उसको एक छोटे से पीस ऑफ पेपर के पास लेके आना है फिर लेकिन हमें उसे टच नहीं करना है रब डेंड को रिफ़िल को हमें पेपर से टच नहीं करना है रब किया पहले हमने प्लास्टिक से फिर हम पेपर के पास लेके आए लेकिन हमें पेपर से उसे टच नहीं करना है बस थोड़े से डिस्टेंस पर उसे रखना है और आप देखोगे कि अट्रैक्शन होने लग जाएगा पीसेज ऑफ पेपर का ठीक है ना उससे तो यही चीज़ें हमें मेटालिक उससे भी करनी है मेटल की ऑब्जेक्ट से भी करके देखनी है और हमें अपनी ऑब्जर्वेशन चेक करनी है वैन प्लास्टिक रिफिल इज रफ विद इट इटक्वायर्स अ स्मॉल इलेक्ट्रिक चार्ज से मिल रही है वैना प्लास्टिक कोम इज रव द ड्राई हेयर इट रक्वायर्स अ स्मॉल चार्जर ऑब्जेक्ट्स आर कॉल्ड चार्ज ऑब्जेक्ट्स इन द प्रोस ऑफ चार्जिंग द रिफिल एंड द प्लास्टिक कोम पॉलिथिन एंड एयर ऑल्सो गेट चार्ज जब हमें अपने बालों से कंघी करते हैं तो कंघी में भी चार्ज आ जाता है वैसे ही जो प्लास्टिक रिफिल थी उसमें भी जब हमने पॉलिथिन से रब किया तो उसमें भी चार्ज आ गया इसलिए हम उन्हें चार्ज ऑब्जेक्ट बोलते हैं लेकिन जिससे हमने रब किया यानी कि पॉलिथिन बैग और बाल हमारे उनमें भी चार्ज पार्टिकल आ जाते हैं तो वो भी चार्ज ही हो जाते हैं ठीक है अब क्या है हमने ये एक वो देखी थी एक्टिविटी देखी थी हमें सारी एक्टिविटीज देखने की जरूरत नहीं है हम सिर्फ ये वाली एक्टिविटी फिफ्टीन पॉइंट थ्री एक्टिविटी देखेंगे ठीक है ना एंड देन वील नो वॉट वी आर टॉकिंग अबाउट तो हमें उसने बोला है कि दो बलून जो है हमें इन्फ्लेट करने फुलाने हैं उनको ऐसे टांगना है कि वो एक दूसरे को टच ना करें उनके बीच में थोड़ा सा डिस्टेंस हो फिर हमें एक वूलन कपड़ा लेना है ऊनी कपड़ा लेना है उन दोनों के ऊपर रब करना है ठीक है ना बोथ को रब करा और फिर देखना है कि क्या होता है तो आप देखोगे नाउ लेट अस रिपीट दिस एक्टिविटी यही सेम एक्टिविटी करनी है इसमें क्या करना है दो पेंसिल रिफिल्स लेनी है दोनों को पॉलिथिन से रब करना है और उसको ग्लास टम्बलर में रख देना है ठीक है ना मतलब एक रिफिल को पॉलीथीन से रब किया और एक कांच के ग्लास में रख दिया फिर दूसरी रिफिल को भी पॉलीथीन से रब किया और उसके पास लेके गए चार्ज वाली है इसके पास जो टम्बलर में है तो और ये ध्यान रखना है कि जो चार्ज है ना वो एक दूसरे को टच ना करें जो चार्ज एंड है वो तुम्हारे हाथ को टच ना करें ठीक है ना इस देर एनी इफेक्ट ऑन द रिफिल इन द टम्बलर तो हमें यह देखना है क्या वो एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं डू दिस एक्टिविटी वी आर ब्रॉड क्लोज टू द चार्ज पार्टिकल दैट वी आर मेड ऑफ सेम मटीरियल वॉट हैपन्स टू चार्ज पार्टिकल मेड ऑफ डिफरेंट मटीरियल आर ब्रॉड क्लोज टू इच अदर लेट आउट फाइंड आउट पहले तो बच्चों देखो बलून्स जो थे ना जब हमने उन्हें ऊनी कपड़े से रब किया तो वो एक दूसरे के दूर जा रहे हैं ऐसा क्यों है क्योंकि देखो जो दो बलून है उनमें से दोनों में नेगेटिव नेगेटिव चार्ज आ गया या पॉजिटिव जब भी दो सब्सटेंसेस में दो टाइप के चार्ज होते हैं चार्ज होते हैं बच्चों प्लस और नेगेटिव और पॉजिटिव प्लस वाला पॉजिटिव और माइनस वाला नेगेटिव तो उनमें ना दोनों में अगर सेम चार्जेज आए हैं क्योंकि हमने किया तो उन्हें वूनल वुलन, वुलन क्लोथ से था दोनों को रब किया तो दोनों में सेम टाइप का चार्ज जनरेट हुआ है यानी कि नेगेटिव नेगेटिव हम मान लेते हैं तो नेगेटिव और नेगेटिव यानी कि लाइक चार्जेस जो है एक दूसरे को रिपेल करते हैं रिपेल मतलब एक दूसरे से दूर भागते हैं पॉजिटिव और पॉजिटिव को पास लाओगे तो वो भी दूर भागेंगे नेगेटिव और नेगेटिव को लाओगे तो वो भी दूर भागेंगे लेकिन अगर तुम पॉजिटिव और नेगेटिव को लाओगे साथ में तो वो एक दूसरे के पास आएंगे इसलिए यह कहावत है और ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर यानी कि जो सेम चार्ज है वो एक दूसरे से दूर भागते हैं एंड अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर दो अनलाइक चार्जेस हैं वो एक दूसरे की तरफ आते हैं ये जो रिफिल वाली चीज़ थी ना इसमें भी दोनों रिफिल्स को हमने पॉलीथिन से किया है और सेम मटेरियल है तो इनमें भी सेम ही चार्ज आया और एक दूसरे को रिपेल किया इन्होंने ठीक है ना मतलब एक दूसरे से दूर हुए क्योंकि सेम चार्ज आया लेकिन जब आप बलून है बलून को ऊनी कपड़े से रब करोगे और रिफिल को प्लास्टिक बैग से रब करोगे अब बलून और रिफ़िल को साथ में लाओगे ना तो वो एक दूसरे से अटैच करें अट्रैक्ट होंगे क्यों क्योंकि जो रिफिल है उसमें पॉजिटिव चार्ज है मान लो और बलून में नेगेटिव चार्ज है और मैंने अभी बताया जब दो अलग अलग चार्जेस होते हैं ठीक तो है चार्ज बलून। चार्ज बलून दूसरे दूसरे दूसरी दूसरी अपने पास लाया बट एक जो चार्ज बलून है उसने चार्ज रिफिल को अपने अट्रैक्ट किया है चार देखो जो दो बलून है सेम मटेरियल से बने इन्होंने एक दूसरे को दूर फेंका जो दो रिफिल्स हैं सेम मटेरियल से बनी है और सेम मटेरियल से रब किया था इन्होंने भी एक दूसरे को दूर फेंका लेकिन जो बलून है और रिफिल है दोनों अलग अलग मटेरियल से बने और अलग अलग कपड़ों से अलग अलग चीज़ों से इन्हें रब किया था इसलिए वो एक दूसरे के पास आ रहे हैं ये इसकी समरी है ठीक है ना और ये जो है हमने देखा कि इट इज़ कन्वेंशन टू कॉल द चार्ज पार्ट बाय ग्लास रॉड व्हेन इट इज़ रब्ड विद सिल्क एज पॉजिटिव जब भी हम कर, ये माना जाता है कि जब भी हम ग्लास रॉड को एक सिल्क के कपड़े से रब करते हैं तो उस पर जो सिल्क पे चार्ज आएगा ना वो पॉजिटिव है ये माना जाता है ये ऐसा कन्वेंशन कन्वेंशन मतलब जो साइंटिस्ट ने कहा है उसे हम मान के चलते हैं ठीक है ना और जो चार्ज जो और, और जो दूसरे टाइप का चार्ज होता है उसे हम नेगेटिव चार्ज कह देते हैं ठीक है ना फिर ये ऑब्जर्व किया जाता है कि जब भी एक चार्ज ग्लास रॉड को आप एक चार्ज प्लास्टिक स्ट्रॉ के पास लाओगे जिसे आपने पॉलिथिन से रब किया है स्ट्रॉ होती है उसको आपने पॉलिथिन से रब किया और वो जो ग्लास रॉड है जिसे आपने सिल्क से रब किया उन दोनों को पास में लाओगे ना तो वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे इसका क्या मतलब है ग्लास रॉड पे पॉजिटिव चार्ज था तो इसका मतलब जो आपकी वो है ना क्या बोलते हैं प्लास्टिक स्ट्रॉ है उस पर नेगेटिव चार्ज है ठीक है ना तो ये बात करना आसान हो गया अगर आपको बोला कि भाई ये जो एक मैंने बोला कि ये एक सब्सटेंस है इस पर पॉजिटिव चार्ज है और दूसरे का हमें चार्ज नहीं पता लेकिन ये दोनों एक दूसरे से अट्रैक्ट हो रहे हैं तो हम क्या बोलेंगे कि जी दूसरा सब्सटेंस है वो नेगेटिवली चार्ज है क्योंकि वो एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं अगर मैं बोलती ये सब्सटेंस है और ये पॉजिटिव है और दूसरा सब्सटेंस है लेकिन हमें उसका चार्ज नहीं पता है लेकिन वो एक दूसरे को धक्का मार रहे हैं वो उसको इधर रिपेल कर रहा है वो उसको इधर रिपेल कर रहा है, है दूसरी साइड पर ठीक है तो आप जी क्या बोलते आप कह देते कि जी ये जो है ये वाला जो सब्सटेंस है इसका चार्ज है पॉजिटिव क्योंकि जब सेम चार्ज होंगे तभी वो एक दूसरे को दूर फेंकेंगे अलग अलग होते तो एक दूसरे की तरफ आते ठीक है ना बस इसमें यही चीज़ है जो हमें याद करनी है और मेन चीज़ ये है एक इलेक्ट्रिक चार्जेस जब जनरेट होते हैं रबिंग आर जो ये जो चार्जेस आए हैं ना एक दूसरे को रब करके हमने रिस्ट्रिक्ट किया है उसे रब करके जो चार्जेस आए उन्हें हम स्टैटिक चार्जेस बोलते हैं ये अपने आप से मूव नहीं करते जब चार्ज को मूव कराया जाता है ना तो आप उसे इलेक्ट्रिक करंट बोलते हो जो ये करंट हमारे ये फ्लो होता है ना घरों में ये मूविंग चार्जेस होते हैं ठीक है ये चार्जेस एक एक तरफ से दूसरी तरफ फ्लो कर रहे होते हैं इसलिए इन्हें डायनेमिक चार्जेस कहा जाता है या फिर इलेक्ट्रिक करंट कहा जाता है ठीक है ना और ये करंट ही होता है जो बल्ब को ग्लो करवाता है इसकी वजह से लाइटें जलती हैं इसी की वजह से जो है हमारा वायर जो है मतलब तार गर्म होता है और ये सब जो है मोशन का चेंज होता है इज नथिंग बट आ तो वही मोशन ऑफ चार्जेस चार्जेस जब भी मूव कर रहे होंगे तो करंट जो है आपका प्रोड्यूस होगा ये हमेशा याद रखना सुनाओ बच्चों देर इज दिस अनदर एक्टिविटी जो हमें ट्रांसफर ऑफ चार्जेस के बारे में बताएगा कि चार्जेस कैसे ट्रांसफर होते हैं मतलब आप किसी सब्सटेंस से दूसरे त्रा, त्रा, में कैसे चार, चार्जेस को ट्रांसफर कर सकते हो तो आपको एक एम्पटी जैम बॉटल लेनी है जैसे जैम की बॉटल बो, तुम सबने देखी होंगी वो आती है ना किसान वाली या कोई भी ऐसे जार्स uh, होते हैं लोगों के पास छोटे छोटे घर में कांच के वो लेने हैं ठीक है ठीके? और उसके बाद आपको एक बहुत बड़ा सा कार्डबोर्ड का पीस लेना है जो कि बॉटल का जो माउथ होता है ऊपर का जो ये गोल पोर्शन होता है ना इससे थोड़ा बड़ा हो जैसे तुम पिक्चर में देख पा रहे हो उसमें एक हमें होल करना है मेटल की पेपर क्लिप होती है ना जो उसे इंसर्ट करना है ये है पेपर क्लिप देखो उसे इंसर्ट करना है फिर पेपर क्लिप को ऐसे खोल के उसमें हमें Uh, uh, जो है दो स्ट्रिप्स अलूमिनियम फॉइल अलूमिनियम फॉइल घर में सबके होता है जनरली क्योंकि उसी से मम्मी खाना मम्मियाँ जो होती हैं खाना पैक करती हैं तो उसकी दो ऐसी छोटी छोटी पतली पतली स्ट्रिप्स बना के उसमें लगा देनी है फोर सेंटीमीटर और वन सेंटीमीटर ईच हैंग दम ऑन द पेपर फोर इंटू वन सेंटीमीटर लेंथ चार सेंटीमीटर और विथ जो है वो वन सेंटीमीटर होनी चाहिए ठीक है पेपर क्लिप को कार्डबोर्ड में लगा के प्रपेंडिकुलरली उन्हें टांग देना है एक रिफ़िल जो है वो प्लास्टिक की है रिफ़िल देकर उसे रिफ़िल को टच चार्ज है रिफ़िल भाई रबिंग करोगे फिर रिफिल को उनसे टच करवाना है इस एंड पेपर से ये पेपर क्लिप की इस वाली एंड से टच करवाना है फिर देखना है कि क्या होता है उसका उन फॉइल स्ट्रिप्स पे क्या फर्क पड़ रहा है क्या वो एक दूसरे से दूर भाग रही है पास आ रही है अब हमें अदर चार्ज बॉडी यानी कि पेपर क्लिप पे लगानी है कुछ और भी आप ले सकते हो जैसे हमने रिफिल ली थी फिर आप बलून ले सकते हो कोम्ब ले सकते हो ठीक है कोई भी ग्लास रॉड ले सकते हो ये सब लेके आपको चेक करना है कि क्या होता है अलूमिनियम फॉयल रिसीव सेम चार्ज फ्राम द चार्ज रिफिल थ्रू द पेपर क्लिप रिमेंबर दैट मेटल्स आर गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी तो अलूमिनियम फॉयल को ना सेम चार्ज मिलता है जो कि उस रिफिल में था यानी कि वही ठीक है ना और तुम्हें याद रखना मेटल जो है वो बेस्ट कंडक्टर यानी कि बहुत अच्छे कंडक्टर्स माने जाते हैं इलेक्ट्रिसिटी के इलेक्ट्रिसिटी को ट्रांसफर करने के लिए तो वो क्या करेंगे जब मैंने बोला कि इलेक्ट्रिक अलूमिनियम uh, फॉयल में जो चार्ज है वही सेम चार्ज रिफिल में है तो मैंने बताया था बच्चों याद होगा सेम चार्जेस एक दूसरे को एक दूसरे के दूर फेंक फेंकते हैं तो वो एक दूसरे के अलूमिनियम फॉइल एक दूसरे से दूर हो गए रिपेल हो गए ठीक है ना और वो वाइड ओपन हो गए इस डिवाइस को यूज़ कर सकते हो तुम ये जानने के लिए कि जो ऑब्जेक्ट है वो चार्ज है या नहीं क्योंकि अगर वो दूर जाएंगे या पास आएंगे तो अगर एलूमिनियम आप कोई भी सब्सटेंस उस पर टच करोगे पेपर क्लिप के यहाँ पे कोई भी चीज़ अगर एलूमिनियम फॉइल जो है पास आते हैं या दूर जाते हैं इसका मतलब वो सब्सटेंस जो है जिसको हमने टच किया है वो चार्ज है अगर अलूमिनियम फॉइल में कुछ भी मूवमेंट नहीं होती है तो इसका मतलब वो चार्ज नहीं है तो आप ये चेकिंग कर सकते हो कि कौन सा सब्सटेंस चार्ज है या कौन सा नहीं है इसलिए हम इस डिवाइस को इलेक्ट्रोस्कोप भी बोलते हैं इस डिवाइस को हम क्या बोलते हैं इलेक्ट्रोस्कोप तो हमें पता चल जाता है कि चार जो हम इलेक्ट्रिक चार्ज है वो कैसे एक दूसरे एक से दूसरे में चार्जर होते हैं जनरली वो मेटल के थ्रू होता है क्योंकि मेटल जो है बहुत अच्छा कंडक्टर माना जाता है ठीक है ना इलेक्ट्रिसिटी का ठीक है अब यही बोला है जैसे ही आप रिफिल को हटाओगे तो वो अपनी ओरिजिनल स्टेट में वापस आ जाएंगे यानी कि जैसे वो वाइड ओपन थे वो वाइड हो गए थे दूर हो गए थे तो वो फिर से इतने पास आ जाएंगे टच नहीं करेंगे एक दूसरे को बट पास आ जाएंगे अपने नॉर्मल स्टेट में ये रिपीट हमें करते रहना है फॉइल स्ट्रिप्स को चार्ज करना है क्लिप से दूर करना है एवरी टाइम यूल नीड दैट द फॉइल स्ट्रिप्स कोलेप्स एज सून एज यू टच द पेपर क्लिप विद हैंड ठीक है ना तो जैसे जैसे आप पेपर क्लिप को अपने हाथ से टच करोगे वो एकदम से कोलैप्स होंगे वापस इधर इधर एक दूसरे से बिल्कुल टकराते जाएंगे ऐसा क्यों होता है क्योंकि हमारे ना जो होता है ना फॉयल स्ट्रिप्स जो है वो चार्ज लूज़ करना शुरू कर देते हैं और अर्थ में बॉडी फॉयल जैसे हम उन्हें टच करते हैं ना हमारे हमारे अंदर भी हमारी बॉडी भी बच्चों बहुत अच्छी कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी की तभी हमें जो है शॉक वगैरह लग जाता है तुमने तो देखा होगा हमें शॉक वगैरह क्यों लगता है इसीलिए लगता है क्योंकि हमारी बॉडी बहुत अच्छा कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी की और वो हमें हेल्प करती है कंडक्शन में इसलिए हमारी बॉडी से जब हम उसे टच करेंगे ना पेपर क्लिप को तो हमारे बॉडी से चार्ज जो है ट्रांसफर हो कर अर्थ की तरफ चला जाएगा और जो पेपर क्लिप है वो डिस्चार्ज हो जाएगी यानी कि उसका चार्ज खत्म हो जाएगा और इसी प्रोसेस को जो हम चार्ज को ट्रांसफर करने को बोलते हैं ना अर्थ में उसको हम प्रोसेस को अर्थिंग बोलते हैं अर्थिंग जो है बिल्डिंग्स वगैरह में दी जाती है ताकि इलेक्ट्रिकल शॉक्स वगैरह से बचाया जा सके जब शॉर्ट सर्किट वगैरह हो जाते हैं ना तो अर्थिंग का वायर हमेशा होता है स्टोरी ऑफ लाइटनिंग लाइटनिंग में क्या होता है ठीक है ना लाइटनिंग को हम बताते हैं कि यू लर्न इन क्लास सेवन दैट ड्यूरिंग द डेवलपमेंट ऑफ थंडर स्टॉम द एयर करंट मूव अपवर्ड्स वाइल द वाटर ड्रॉपलेट्स मूव डाउनवर्ड ये तुमने पढ़ा था जब स्टॉम्स आते हैं जब uh, आंधी तूफान आता है तो वाटर करंट जो है वो वाटर uh, ड्रॉपलेट जो है वो पानी की बूंदें नीचे जाती हैं और हवा ऊपर की तरफ जाती है ये विग्रेस्ट मूवमेंट जो है सेपरेशन की वजह से कॉज होते हैं चार्जेस के जैसे ये देख रहे हो पानी यहाँ पे पॉजिटिव है यहाँ नेगेटिव है तो ऐसे ऐसे चार्ज का मूवमेंट होता है बाय द प्रोसेस नॉट येट कंप्लीटली अंडरस्टूड बाय द पॉजिटिव चार्जेस कलेक्ट नियर द अपर एजेस ऑफ द क्लाउड एंड द नेगेटिव चार्जेस कम्युलेट नियर द लोअर एजेस देर इज अमुलेन ऑफ पॉजिटिव चार्जेस नियर द ग्राउंड ऑल्सो वन द मैग्नीट्यूड ऑफ अक्यूनिट चार्जेस बिकम वेरी लार्ज एंड द एयर विच इज नॉर्मली अ पोवर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज नो लॉन्गर एबल टू रिजिस देर फ्लो नेगेटिव एंड पॉजिटिव चार्जेस मीट प्रोड्यूसिंग स्ट्रीक्स ऑफ द ब्राइट लाइट एंड साउंड वी सी स्ट्रीक्स एज लाइटिंग दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एन इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज देखो इसमें समझो ऊपर वाले जो बादल हैं उनमें पॉजिटिव चार्ज आया नीचे वाले जो बादल हैं उनमें नेगेटिव आया और ग्राउंड के पास पॉजिटिव चार्ज आ गया और जो एयर होती है वो बहुत बेकार कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी की इसलिए वो उन्हें संभाल नहीं पाती और इस वजह से जब ये चार्जेस एक दूसरे से टकराते हैं तो स्पार्क्स जनरेट होते हैं लाइटनिंग होती है यही बिजली कड़कती है और आवाज़ें होती हैं इसी चीज़ को हम जो बोलते हैं लाइटनिंग कह देते हैं और इस इसी प्रोसेस को आप डिस्चार्जिंग भी कह देते हो ठीक है ये जो प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज है ये दो और दो से ज्यादा क्लाउड्स के बीच में भी हो सकता है ठीक है अर्थ से रिलेटेड टुडे वी नीड नॉट टू गेट फ्राइटन बाय लाइटनिंग लाइक आर एनसेस्ट नाउ वी अंडरस्टैंड द बेसिक फिनोमिना साइंटिस्ट आर ट्राइंग हर टू इम्प्रूव दिस अंडरस्टैंडिंग और एवर लाइटिंग स्ट्राइक टू डिस्ट्रॉय लाइफ एंड प्रॉपर्टी इट इज देफोर नेसेसरी टू टेक मेजर टू प्रोटेक्ट हारसल्स वो कह रहे हैं हमें पुराने लोगों की तरह डरने की कोई जरूरत नहीं होती है वैसे क्योंकि वो तो उनको तो कुछ पता नहीं होता था उनमें विचारों में अकल नहीं होती थी इसलिए वो बहुत ज्यादा डरते थे हमें तो अब साइंटिफिक नॉलेज है और हमें पता है कि ऐसा क्यों होता है तो हमें डरने की बात नहीं है लेकिन ये जो है बिजली कड़कना अच्छी बात नहीं होती क्योंकि इससे जो है ह्यूमन लाइफ का या नुकसान हो सकता है किसी को चोट लग सकती है प्रॉपर्टीज़ बिल्डिंग्स को हो सकती हैं ठीक है ठीके? तो इस वजह से आपका आपके लिए यही अच्छा है कि आप एक उनसे दूर रहो थोड़ा डिस्टेंस पे रहो और ज़्यादा उनके पास ना जाओ ठीक है लाइटनिंग सेफ्टी क्या होती है ड्यूरिंग लाइटनिंग एंड थंडर स्टॉम नो ओपन प्लेसेज सेफ जब ये लाइटनिंग होती है या आंधी तूफान आ जाता है या बिजली कड़कती है तो ओपन ग्राउंड जो होते हैं जैसे पार्क ये सब ये सेफ से, से नहीं होते यहां नहीं जाना होता ये बात हमेशा याद रखना थंडर से आपको जैसी आवाज आए बिजली कड़कने की या फिर आंधी तूफान की तो आपको एक सेफ प्लेस पे जाके बैठ जाना है ठीक है और ये जो भी बिजली कड़कने की आवाज़ आए या तूफान की आवाज़ आए तो थोड़ी देर के लिए वेट करना है उस जगह से बाहर आने के लिए यानी कि आपने एक आवाज़ सुनी और जी आप बाहर नहीं जब तक वो चीज़ आप श्योर नहीं हो जाते कि खत्म हो चुकी है अब आवाजें नहीं आ रही और अब मेरी जान को कोई खतरा नहीं है तब आप बाहर जाओगे वरना नहीं जाओगे कोई भी आपको एक सेफ प्लेस ढूंढनी है तो आप एक घर या फिर बिल्डिंग ढूंढो जहाँ पे सेफ जगह होती है पार्किंग वगैरह होती हैं या बिल्डिंग के अंदर जाके बैठ जाओ ट्रैवलिंग में और जो अगर आप बस और कार में ट्रैवल कर रहे हो तो आप उसके अंदर ही सेफ हो उसी में रहो लेकिन अपने डोर्स और विंडोज जो हैं बंद करके रखो अपनी खिड़कियां बंद कर लो और अपने दरवाजे अच्छे से बंद कर लो अगर गाड़ी में हो तो डूज और डोंट्स क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए अगर आप बाहर हो तो ओपन व्हीकल्स लाइक मोटर बाइक ट्रैक्टर कंस्ट्रक्शन मशीनरी ओपन कार्सर नॉट सेफ जो ये ट्रैक्टर्स होते हैं बाइक्स होती हैं, जो खुले हुए व्हीकल्स हैं खुले हुई जो ये वाहन होते हैं ये अच्छे नहीं होते हैं ठीक है ओपन फील्ड टॉल ट्री, शेल्टर्स इन पार्क एलिवेटेड प्लेसेस, ये आपको नहीं बचाएंगी पेड़ों के पास मत खड़े हो ये खुले मैदानों में मत खड़े हो पार्क्स वगैरह में मत खड़े हो ये आपको नहीं बचाएंगे अम्ब्रेला जो है वो बिल्कुल अच्छा आइडिया नहीं होता जब बिजली कड़क रही होती है थंडर स्टॉम बोलते हैं बिजली को भी लाइटनिंग को भी जैसे तो उस टाइम पे आप अगर आप अपने साथ छाता ले रहे हो तो वो बहुत बुरा आइडिया है बिल्कुल नहीं लेना चाहिए अगर आप जंगल में हो तो पेड़ों के बिल्कुल पास जाके नीचे की तरफ खड़े हो जाओ मतलब उनके पास झुक के नीचे बैठ जाओ ठीक है अगर वहाँ आपके आसपास कोई भी शेल्टर नहीं है और आप एक खुले मैदान में हो तो जितना हो सके पेड़ों से दूर रहो जितना हो सकता है जितना हो सकता है पोल से दूर रहो जो ये बिजली के खंभे होते हैं इनसे दूर रहो क्योंकि ये मेटल से बने हुए होते हैं और ये बहुत अच्छे कंडक्टर्स होते हैं इनसे तुम्हें बहुत तगड़ा शॉक लग सकता है तो इनसे भी दूर रहो ग्राउंड में मत लेटो इंस्टेड थोड़ा सा नीचे झुक के ऐसे जैसे ये बंदा बैठा है ना देखो ये इस ये फिगर बनी हुई है जिसमें इंसान ऐसे बैठा हुआ है इसी पोजीशन में आपको चुपके से बिल्कुल नीचे करके बैठ जाना है ठीक है इसी माथा नीचे कर लो घुटने घुटने ते, टेढ़े कर लो जब आपको आपकी टीचर मुर्गा बनाती है ना वैसे आपके पैर होने चाहिए और हाथ अपने ऐसे बांध करके अपना सर जो है वो अपने हाथ पे रख के इसी पोजिशन में बैठना है ये पोजिशन सबसे सेफ मानी जाती है ठीक है अगर आप घर के अंदर हो तो लाइटनिंग जो है आपके टेलीफोन कॉर्ड्स ये जो बाहर वो लगी ना डिश टीवी वगैरह लगे होते हैं बिजली के थोड़े से खंभे जिससे फ़ोन के होते हैं लोगों के पुराने टाइम में ज़्यादा लगे होते थे वो सब इलेक्ट्रिक वायर्स मेटल पाइप मेटल पाइप लगे होते हैं उन सब से आपको दूर रहना है ठीक है इससे आपको इन सबसे दूर रहना है और ये सेफर मोबाइल इट इज़ इट इज़ सेफ़र टू इज मोबाइल फ़ोन्स एंड कॉर्डलेस फ़ोन्स या तो मोबाइल फोन यूज़ करो या कॉर्डलेस जिनमें तार वार नहीं जुड़े हुए होते ना जैसे हमारे जो नॉर्मल सेल फोन्स होते हैं जैसे ये सेल फोन है हमारा तो ये सेलफोन ऐसे वाले सेल फोन आप यूज़ कर सकते हो ठीक है ना ये जो हम आजकल यूज़ कर ही रहे हैं जिनमें तार वार नहीं जुड़े हुए होते ये यूज़ करो ठीक है या फिर आ, ये चीज़ अच्छी नहीं मानी जाती है क्योंकि आप जो ये तार वाले फ़ोन होते हैं लैंडलाइन वगैरह इनसे आप किसी अपने दोस्त वोस्त को या किसी को भी कॉल कर रहे हो तो वो चीज़ बिल्कुल अच्छी नहीं है इनफैक्ट सेफ भी नहीं है उससे आपको बहुत नुकसान हो सकता है बाद ये नहा नहाना पानी के साथ कॉन्टैक्ट उस टाइम पे नहाना अवॉइड करो पानी में जाना अवॉइड करो क्योंकि पानी इज़ अ वेरी गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी वाटर इज़ अ वेरी गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बच्चों इसलिए पानी से थोड़ा दूरी रखो इलेक्ट्रिकल अप्प्लाइंसेस कंप्यूटर टीवी इन सबको अनप्लग कर दो मतलब ये जो सॉकेट्स में लगे हुए होते हैं ना इनके सॉकेट लगे हुए तो उनको हटा दो और निकाल दो ठीक है और लाइट्स को ऑन रखो वो कोई भी लाइट्स को बंद करने की बात नहीं होती लाइट्स को ऑन रखना चाहिए वो तुम्हें कोई भी हार्म नहीं कॉज करेंगे अब ये जो लाइटिंग लाइटनिंग कंडक्टर हैं लाइटनिंग कंडक्टर इज अ डिवाइस यूज टू प्रोटेक्ट बिल्डिंग्स फ्रॉम द इफेक्ट ऑफ द लाइटनिंग लाइटनिंग कंडक्टर क्या होता है ये ऐसे डिवाइस होता है जो कि आपकी बिल्डिंग्स को लाइटनिंग से बचाता है ठीक है इससे इसमें क्या होता है एक मेटालिक रॉड होती है टॉलर देन द बिल्डिंग ये मेटालिक रॉड देख रहे हो ये ना नीचे से जुड़ी हुई है यहाँ देखो इस बिल्डिंग ये फोटो ये डायग्राम देखो ये पूरी बच्चों पूरी की पूरी मेटालिक रॉड है ये यहां तक जमीन के अंदर तक तो अ मटैलिक रॉड टॉलर देन द बिल्डिंग इज इंस्टॉल्ड इन द वॉल्स ऑफ द बिल्डिंग वॉल में डाला जाता है उसके कंस्ट्रक्शन के टाइम पे ये याद रखना है जब बिल्डिंग बन रही है तभी के तभी ये डाला जाता है और एक रॉड को जो है खुला छोड़ दिया जाता है दो तरफ से इसके रॉड के डंडे निकल रहे हैं और ये जो है ना ये ग्राउंड के अंदर तक होता है ये डंडा जिससे आप देख रहे हो कि अर्थिंग हो रही है जो मैंने आपको बताया था कि सारा अब पता है क्या होगा इससे जब भी ब, बिजली कड़केगी बिजली इसके ऊपर गिरेगी ना तो बिजली गिर के इधर से नीचे नीचे जाएगी और ग्राउंड में चली जाएगी और वहां से हमें कोई भी शॉक जो है नहीं लगेगा ठीक है देखो वन एंड ऑफ द रॉड इज कैप्ट आउट इन द एयर एंड द अदर इज वेरी डीप इन द ग्राउंड ये खुला हुआ है ये अंदर जमीन के अंदर है द रॉड प्रोवाइड्स इजी रूट फॉर द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज वही मैंने बताया जब बिजली कड़की तो ट्रांसफर हुआ इलेक्ट्रिक चार्ज का ग्राउंड के अंदर और मेटल कॉलम्स यूज ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन इलेक्ट्रिक वायर्स एंड वाटर पाइप्स इन द बिल्डिंग आल्सो प्रोटेक्ट अस टू एन एक्स एंड ये जो मेटल के पाइप्स वगैरह प्लास्टिक के पाइप्स ये सब लगाए जाते हैं ना बिल्डिंग में कंस्ट्रक्शन के वक्त उसकी ये भी हमें काफ़ी हद तक बचाते हैं पर इन्हें टच नहीं करना होता जब लाइटनिंग हो रही हो इनको बिल्कुल भी टच नहीं करना है यानी कि बचा रहे हैं इनके अंदर तो चार्ज है अगर तुम इनको टच करोगे तो तुम्हें बहुत तगड़ा शॉक लग सकता है और बहुत प्रॉब्लम हो सकती है इसलिए इनको बिल्कुल भी टच नहीं करना होता है इनसे दूर रह के आप अपना एक जगह पे चुपचाप बैठ जाओ ठीक है बस इस चीज़ का ध्यान रखना बच्चों इसके बाद हम क्विक पढ़ेंगे थोड़ी देर में क्विक कम्प्लीट हो जाएगा फिर आपका ये चैप्टर क्विक ज़्यादा बड़ा नहीं है और आई थिंक ये चैप्टर इंटरेस्टिंग है तो तुम्हें मज़ा आ रहा होगा करने में एक बार पढ़ना अपने आप रीड करो एंड देन विल ट्राई टू अंडरस्टैंड एंड सी द वीडियो थैंक यू